हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि हाथ से लिखने वाला बेहतरीन ऐप कौन सा है और उसे यूज कैसे करें और वो कहाँ से इंस्टॉल करें। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में पूरी उस डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट वर्क कहाँ से लें और कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, वो सब हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस ऐप की सबसे खासियत बात है कि इस ऐप को आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही टिप्स आइडिया सब शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेनिमा ऐप्स हैं। तो हम प्ले स्टोर पर नहीं जाएंगे, अगर प्ले स्टोर पर जाकर आपको बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने प्ले स्टोर पर जाकर यही नाम लिखिएगा बेनिमा, तो ऐसा आइकॉन दिखेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हम सीधा अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट साइन आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे यूट्यूब है और से बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब है, यूट्यूब का साइज़ है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें साइज़ दिया हुआ है। तो हम यूट्यूब के लिए बना रहे तो यूट्यूब ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे प्रोजेक्ट का आपको नाम देना होगा, जो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं तो वो अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर हाथ से कैसे लिखे उसके प्रोजेक्ट का वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर यही लिख रहे हैं, हाथ से लिखने वाला वीडियो। तो हम यहाँ दोस्तों हमने लिख दिया है, तो यहाँ से अब हमें क्रिएट पर साइन करना है। क्रिएट पर आप देख सकते हैं इसका जो स्क्रीन है आ गया है। तो अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट जो है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट का बटन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखना है हमें, हाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो हम ऐसे इंसर्ट करके, अब हमें इंसर्ट करके यहाँ पर हमें फॉन्ट है, तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट है, देखिए चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पर दूसरा फॉन्ट है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये रख लेते हैं, तो ये हो गया फॉन्ट का। और यहाँ से आप साइज़ थोड़ा इसका बॉक्स का बड़ा है, और यहाँ से जो 100 लिखा है उसे हम बढ़ाकर ऐसे कर दे, देख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ से जैसे सेंटर हो गया, जैसे आप इसे वर्ड के आप जितना ही बड़ा करेंगे सेंटर में होगा, आप देख सकते हैं सेंटर में। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हो गया कस्टमाइज में। तो अब जैसे हमें एडिट इसे करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके फिर से हम इसे एडिट कर सकते हैं, तो हमें यही रहने देते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लिखा हुआ है, तो यानी कि ड्यूरेशन 2 सेकेंड तक चलेगा। देखिए 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड जो लेता है फ्लैश में, वो जमा 3 सेकेंड हो गया। तो 2 सेकेंड इसको लिखने में लगता है और 1 सेकेंड वो स्लाइड का हो गया, तो देख सकते हैं स्लाइड का हो गया। तो हम यहाँ पर फिर से जाते हैं, जैसे डिले है, डिले क्या होता है, यानी कि आप 101 आपने यहाँ पर टेक्स्ट डाला है, तो अब जो हम जैसे पिक्चर डालेंगे तो आप कितने सेकेंड के बाद हुआ है, पॉज यानी कि उस कितने देर के बाद है, तो डिले यानी कि कितने डिले के बाद चेंज होगा वो होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हो गया एक, तो हम देख सकते हैं इसमें हम जस्ट 1 सेकेंड के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ स्टिकर है, तो स्टिकर में आप डिफ़ॉल्ट में देख सकते हैं, जैसे इसमें ड्रॉइंग है, ये ड्रॉइंग सब है, आप इसे यहाँ पर इंसर्ट कर, जैसे हम इसे बोर्ड को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट यहाँ पर बोर्ड को किए, तो इसमें देखिए 3 है 2 उधर, 1 इधर था, 3 तो 5 सेकेंड का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 सेकेंड का हो गया, तो 1 सेकेंड ये चला और जो ये चल रहा है वो, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमें फिर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे हम इसे हटा देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, तो फिर हमें स्टिकर बजाना है। जैसे यहाँ पर ड्रॉइंग हो गया, ड्रॉइंग जैसे पीपल, ये प्रो लिखा हुआ है, तो आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, जैसे इसको ये भी परचेज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे इसमें टूल्स हैं जो आप फ्री आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ सेप में, तो ये सब आपको फ्री है, जितना भी इसमें सेप दिया हुआ है ये सब आपको फ्री है। तो आप इसे जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं, तो इसमें 3 का है, तो हम यहाँ पर चला कर देखते हैं, देखिए तो आप देख सकते हैं कैसे लिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार ऐप है। तो हम इसे फिर से यहाँ पर रोक लेते हैं, फिर से हमें इसे डिलीट कर देते हैं। जो लोग दोस्तों हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए सब स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में किचन में सेप सेप हो गया। अब यहाँ पर
लोटल आर्ट में देखिए, ये बहुत हमें बेहतरीन लगा दोस्तों। यहाँ पर फिलहाल आप तो पूरा फंक्शन इसमें तो नहीं दिया है, तो थोड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जितना आप इसमें एलिमेंट देख रहे हैं वो सब फ्री है, बिल्कुल सब फ्री। तो इसमें आपको हाथ से नहीं लिखाएगा, जैसे मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने, जैसे आप यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब है तो मैंने ये निकाल के देखा। तो इसको आपको साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, तो इसमें हम कर देते हैं क्लिक और इसे प्ले कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से लिखा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है। तो आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ये सब फ्री है, इसमें अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा, पूरी फ्री है। तो हम यहाँ पर फिर से क्लिक कर दें, इसे हम फिर से डिलीट कर देते हैं। तो फिर हम यहाँ स्टिकर पे जाना है, जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, वेदर वेदर का आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया में कुछ, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सब्सक्राइब का आइकन हो गया, कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं कितने कैरेक्टर हैं। तो ये सब बिल्कुल फ्री है, जो एक तो ये हो गया सोशल मीडिया में फ्री है, ओदर का भी फ्री है, और लुटलिया लुटे आर्ट भी फ्री है, और सेब भी यहाँ पर फ्री है। तो फिर ये सब आपके प्रो में आता है, जो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो अब ये हो गया इसके सॉफ्टवेयर के अंदर की बात, और अब यहाँ पर जाएंगे जैसे एड में। तो यहाँ एड इमेज जहाँ पर लिखा है, तो ये आपका हो गया ग्लेरी का। तो आपके ग्लेरी में जितने भी फ़ोटो होंगे आप इसे यहाँ पर लाके लगा सकते हैं। तो है जैसे हम, आप लीजिए माइंड को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे हम अब चलाएंगे। देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों, ग्लेरी का भी आप इसमें फ़ोटो रख सकते हैं, उसे ड्राइंग करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है। तो इस तरह आप फंक्शन इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन दिया हुआ है इसमें। जो इसमें जो है देखिए, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप इस पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ दोस्तों ज़्यादा कलर नहीं दिया गया है। तो जैसे इसका बैकग्राउंड वाइट है तो वाइट के अनुसार यहाँ पर कलर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया, फिर से आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो आप इस तरह अपने प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पर हम कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ से स्टिकर ले लेते हैं, और यहाँ से हम एक तो कैरेक्टर उठा लेते हैं। तो मानिए ए हम ले लिए, तो ए हम ले लिए, तो हम इसे करेंगे और थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, और इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, इसे हम चलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे चलाते हैं। तो अब इसे हम प्रोजेक्ट के लिए शेयर, इसे सेव करना पड़ेगा। तो शेयर पे जाएंगे और आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैंने हाथ से रहने देते इतना ही, और इसे मेक मूवीज पर कर लेते हैं। तो मेक मूवीज पर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये सेव हो गया, और इसे आप सेव कर लिए। तो जैसे आप, हम दिखा देते हैं दोस्तों कि वीडियो जो है फाइल में आ गया है। तो हम यहाँ पर MX Player में आपको दिखा देते हैं कि वीडियो आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम विनिमा यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर बनाया, जो आप देख सकते हैं हाथ से, ये हमने नाम दिया था इसलिए यहाँ पर है। तो हम इसे ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं हम हमने जो बनाया है वो आ गया है। और इस वीडियो को आप, जैसे कि काइन मास्टर हुआ, उसके साथ आप एडिट में एडिट करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो अपना कमेंट में अपना सलाह ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।